शुक्ला पहली बात तो बोलते हैं हनुमान भगवान नहीं है, दूसरी बात बोलते हैं कि ये जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री वही विरोध कर रहे हैं, मतलब खुद को भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से शामिल। तो जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि राम और हनुमान जी इनके आस्था के विषय नहीं है, इनका श्रद्धा का नहीं है, इनके लिए केवल व्यवसायीकरण और राजनीति का विषय है, ये बात सिद्ध हो गया है और इतना बड़ा अपमान हो गया है। और मनोज जी ठीक बोल रहे हैं कि अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसका विरोध नहीं किए, यहां आके जरूर कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ मंत्री वगैरह, तो वो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कराते या उन राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं करते, यहां बैन लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो जांच तो वही होना चाहिए कि इसको कैसे इनको परमिशन मिला पिक्चर दिखाने की, कार्रवाई तो वही होना चाहिए सूचना प्रशासन विभाग से, ये तो कर नहीं रहे हैं। हाँ जी, गिरिराज सिंह का सर एक बयान आया है, उनकी जबान कह लीजिए फिसल गई है, उन्होंने कहा है हम लोग आतंकवाद का नेतृत्व करते हैं, उसके बाद सुधार के उन्होंने आगे दूसरी बात की। तो सही बात कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना भाई। एक चीज बताइए, आतंकवादी छोड़ने कौन गया था? ये लोग गए थे छोड़ने, जम्मू कश्मीर से आतंकवादी उठा के जेल से छुड़ा के ले गए थे, यही लोग ले गए थे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मैंने उस दिन सवाल किया था, ये रमन्ना और इसको FIR में जो नाम था गणपति का, वो नाम हट कैसे गया? उसका कोई जवाब नहीं। तो वो भी वो चाहे गलती से कहे चाहे जबान फिस लिए हो, लेकिन बात तो सही है। और अभी जिस प्रकार से वहां जो अभी आग लगी हुई है मणिपुर में, वहां किसके संगठन, किसके साथ, किस आतंकवादी संगठन के साथ उनका गठबंधन है? तो बिल्कुल सही कहे गिरिराज जी, चाहे उसके जमान फीस लियो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। सर एक और बयान दिया गिरिराज सिंह ने आज ही मनेन्द्रगढ़ में, वो कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार शामिल है यहाँ धर्मांतरण में और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च बने, खंडन करके बताए, उनके पास तो सारी एजेंसी हैं। और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग, विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है? यहां तो सारे NGO को फिर पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं, ये कैसे आ रहा है? तो बिना आपके सहमति के नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हो सब। सर भाजपा और कांग्रेस दोनों धर्मांतरण के आरोप लगाती है, लेकिन रजिस्टर की बात करें कानूनी तौर पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कितने धर्मांतरण हुए। अरे सवाल इस बात का है, 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति लेके नहीं पाए, इसीलिए मैं कहता हूँ भारत सरकार क्यों नहीं करती। आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है, क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला, इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई, सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने की। किसान सम्मान निधि का जो राशि जो है भारत सरकार वापस मांग रही है छत्तीसगढ़ किसानों से, ये मुद्दे को राजीव शुक्ला जी ने भी उनके सामने रखा है। पहले तो दे दिए, अब वापस मांग रहे हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। सर इसी में सर बीजेपी कह रही है कि सूची तो राज्य सरकार भेजती है। हाँ तो वेरीफाई कौन करता है? आप जैसा बोलोगे कलेक्टर वैसी सूची भेजते, राज्य सरकार थोड़ी भेजती है, कलेक्टर के पास भेजते हैं, कलेक्टर सूची बना के जैसे जैसे निर्देश रहता है उसके हिसाब से भेज देते हैं। अब उसके बाद बार बार नियम बदलते हैं आप, तो क्राइटेरिया बार बार बदलते हैं, पहले तो सबको दिए, अब उसके बाद फिर क्राइटेरिया बनाए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये उसके होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद वो कट गया तो बोले अब उसको वापस करो पैसा। मक्का से भी हम लोग कर रहे हैं, मक्का के भी प्लांट वहाँ कोंडा गांव हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा,
और कवर्धा में गन्ने से, हम लोग तो धान से हम लोग मांग रहे, चावल से नहीं। भाई चावल और धान में अंतर ये है, यदि चावल से सीधा आप बनाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, मिलिंग चार्ज दो दो, अब उसको एफसीआई में जमा करेंगे, एफसीआई से लाएंगे, तो चावल बनता कैसे? खरीदी केंद्र से लिए, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र लाया, उसके बाद राइस मिलर उठाया, उसके बाद मिलिंग किए, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट करके, इतने बार ट्रांसपोर्टिंग हुआ और एफसीआई में, अब एफसीआई में फिर ट्रेन से फिर अन्य प्रदेशों में जाएगा। अब उसके बाद आप चावल से करेंगे तो आपका जो मिलिंग चार्ज है और ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग चार्ज ये तो बचेगा ना, तो आप सीधा पैडी से क्यों इथेनॉल नहीं बनाते? मेरा प्रस्ताव यही, सीधा यदि पैडी से बनाते, धान से बनाते हैं तो हमको इतना ट्रांसपोर्टेशन और कितने बार के हैंडलिंग और कितने बार के मिलिंग चार्ज ये सब बचेगा। तो वो जो पैसा है और उसके हिसाब से गणना होना चाहिए और उसके बाद उसके इथेनॉल की कीमत तय कर ले और खरीदी की व्यवस्था कर, हमको केवल अनुमति भर मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों असमंजस है, क्योंकि जो बाकी राशि 2004 के बाद की केंद्र सरकार देने रही फॉर्म ही भर दिया है, तो उस राशि को मिलेगी नहीं मिलेगी, राज्य सरकार कैसे एडजस्टमेंट करेगी? अरे वो राज्य, देखो वो कर्मचारियों का पैसा है, राज्य सरकार का हिस्सा है, वो किसी कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले, इतने दिन तक रोक लेंगे, लेकिन पैसा आएगा ना। तो कर्मचारी वैसे भी वो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और 97% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्होंने हस्ताक्षर किया है, वो पैसा जाएगा कहाँ? राज्य सरकार के साथ, राज्य सरकार देगी और वो जो जमा पैसा वो आएगा। अभी उन्होंने देगी कब देगी रिटायर, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, ये पता नहीं आपके पास कहाँ पहुँच गया। सर सत्ता का मुख्य केंद्र दोनों को माना जाता है, कल अमित शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज उनकी तैयारी में जुट गए हैं, बीजेपी को उम्मीद है जो वहाँ की 20 सीट है। भाई कल 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है, हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। बोध गया अरे हमारी छोटी बहन है भाई, है ना, हम लोग विश करते हैं, है आपका दुर्ग है उसको भेद पाएंगे क्या? नहीं, दुर्ग हम सबका है, है ना, और कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है, 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी, बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।